So hello my dear CUET aspirants, how are you? I hope all you are fine and doing good. So आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CUET एग्जाम 2023 को लेकर सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि हर एक CUET aspirant को जानना ज़रूरी है, जैसे कि ये CUET एग्ज़ाम है क्या, ये क्यों होता है, CUET एग्ज़ाम आने से पहले एडमिशन प्रोसेस क्या था, CUET एग्ज़ाम आने के बाद एडमिशन प्रोसेस कैसे चेंज हो गया, वो सारी चीज़ें आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट चीज़ जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये CUET एग्ज़ाम है क्या और ये क्यों होता है, इसके आने के बाद कैसे चीज़ें चेंज हो गई हैं. सो CUET एग्ज़ाम पिछले साल से आया है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं. CUET एग्ज़ाम आने से पहले सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती थी, जैसे BHU अपना अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती थी, DU अपना अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती थी, AU अपना अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती थी, लखनऊ यूनिवर्सिटी अपना अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती थी, इसी तरह सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ अपना अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती थी. और मान लीजिए एक बच्चा जो है वो BHU में भी अप्लाई किया है, AU में भी अप्लाई किया है और DU में भी अप्लाई किया है, तो उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता था अलग अलग जगह पर जाके सेम सिलेबस पर एंट्रेंस एग्ज़ाम देना. तो इन्हीं सारी चीज़ों को NTA ने देखा, समझा और परखा, और तब जाके उसने CUET को इंट्रोड्यूस किया बच्चों के ऊपर से एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रेशर कम करने के लिए, कि बच्चे को अब अलग अलग जगह जाके एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की कोई नीड नहीं है, वो सिंगल एंट्रेंस एग्ज़ाम से सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर कर सकता है और सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक विद इन अ सिंगल एंट्रेंस एग्ज़ाम एडमिशन पा सकता है. तो उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को जो NTA ने इंट्रोड्यूस किया था, उसका नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. तो CUET लाने का बेसिक फंडा ये था कि बच्चों के ऊपर से एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो प्रेशर है उसको डिक्रीज़ किया जाए और बच्चा एक सिंगल एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी में ईजिली एडमिशन पा सकता है. सो CUET का बेसिक फंडा यही था. अब बात करें कि CUET है क्या और इसको कौन रेगुलेट करता है. जैसा कि मैंने आपको बताया, CUET एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ये हर साल NTA द्वारा इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट कराया जाता है. CUET को कंडक्ट कराता है NTA, और NTA आपको एक स्कोर कार्ड प्रोवाइड कर देगा जिसके बिहाफ पे आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हैं. अगर CUET में आपका जो स्कोर कार्ड है वो उस आपके डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी के एडमिशन क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा है, जो मार्क्स रिक्वायर्ड है उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए, तो आपका ईजिली किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा. NTA का बस इतना ही काम है कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराना और आपको स्कोर कार्ड प्रोवाइड कराना, बाकी स्कोर कार्ड से लेके एडमिशन प्रोसेस तक वो सारी आपका काम जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है. आपके कट ऑफ को जारी करना, आपकी मेरिट लिस्ट बनाना, वो सारा काम सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है. CUET बस ये है कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाता है, NTA का काम ये है कि आपको स्कोर कार्ड प्रोवाइड कर देगा. सो बात करें कि अब वाई CUET हम क्यों दें और CUET के तरफ बच्चों का इतना रुझान क्यों बढ़ रहा है. सो CUET शुरू हुआ था, आप लोग को पता है, 2022 में, और CUET जिस साल शुरू हुआ था, मोर देन 15 लाख्स ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड देमसेल्फ फॉर CUET एग्जामिनेशन. CUET आने से पहले इंडिया का बिगेस्ट एग्जामिनेशन NEET को माना जाता था. 13-13.5 लाख बच्चे हर साल NEET के पेपर में अपीयर होते थे, लेकिन CUET जिस साल शुरू हुआ, यानी कि पिछले साल, इसने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए. 15.5 लाख से ज़्यादा बच्चों ने खुद को CUET में एग्ज़ाम रजिस्टर कराया और ये स्टूडेंट की फर्स्ट चॉइस बन के उभरा है काफ़ी कम समय में. और CUET की तरफ बच्चों का रुझान इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि विद इन अ सिंगल एंट्रेंस टेस्ट ये आपके लिए सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डोर खोल दे रहा है. काफ़ी सारे कोर्सेज इसमें मिल जा रहे हैं, जैसे BCom, BBA, BLL, BBSC, सारी जो कोर्सेज हैं, आपको फाइन आर्ट्स ले लीजिए, मान लीजिए सारे जो इतने भी कोर्सेज हैं, आपको विद इन अ सिंगल एंट्रेंस टेस्ट और विद इन अ सिंगल टेस्ट आपको सारी चीज़ें मिल जा रही हैं. सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के डोर खुल जा रहे हैं विद इन अ सिंगल एंट्रेंस टेस्ट. तो इसलिए बच्चों में ये काफ़ी इसका क्रेज़ बना है CUET को लेकर, और ये स्टूडेंट की फर्स्ट चॉइस बन के उभरा है. सो अब बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी द ड्रीम. हम सभी ने कभी ना कभी एक ड्रीम देखा होगा कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, हम BHU में पढ़ेंगे, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, हम लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे. मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैंने खुद जब क्लास 12th शुरू किया था, तो मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं BHU में पढ़ूंगा, और मैंने CUET को पिछले बार काफ़ी हेल्दी मार्जिन से भी क्लियर किया था. सो सभी का ड्रीम रहता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे. सो आप लोग देखिए, आप लोग का भी एक ड्रीम होगा कि आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ें,
BHU में पढ़े, इसी तरह सारी बाकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जैसे तमिलनाडु सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दिख जाएगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी दिख जाएगी, देशबंधु महाविद्यालय दिख जाएगा आप लोग को। सो आप सभी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का ड्रीम रहा होगा, सो आप लोग उसको फुलफिल करने के लिए CUT आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा रोल प्ले करने वाला है। आप तो CUT के थ्रू काफ़ी इजी एडमिशन आप लोग अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ले सकते हैं। तमिलनाडु आपको तमिलनाडु विश्वविद्यालय मेरे पीछे दिख रहा होगा, BHU आपको दिख जाएगा। सो अब बात करें कि CUT एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। CUT एग्ज़ाम के बारे में तो हमने जान लिया कि CUT एग्ज़ाम क्या था और क्यों आया था। सो अब बात करते हैं CUT एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो CUT एग्ज़ाम में आपको टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको अटेम्प्ट करने हैं टोटल 40 क्वेश्चन। आपका टोटल मैक्सिमम मार्क्स होगा 200 मार्क्स, यानी कि 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन रहने वाले हैं। बात करें अगर नेगेटिव मार्किंग की, तो यस नेगेटिव मार्किंग होती है CUT पेपर में, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और एग्ज़ाम मोड तो आपका ऑनलाइन रहने वाला है, यानी कि CBT मोड। आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन रहेगी आपका, आपके सामने चार ऑप्शन रहेंगे जिसमें आपको सेलेक्ट करना रहेगा ABCD, जो ऑप्शन आपको सही लगता है उस पर आप टिक करिए, आप लॉक करिए, वो आपका डायरेक्ट उसके बेसिस पे आपका स्कोर कार्ड प्रिपेयर कर दिया जाएगा NTA द्वारा। सो बात आती है सेक्शंस इन एग्जामिनेशन फॉर्म। सेक्शन जब आप लोगों ने CUT का फॉर्म भरा होगा तो आपको उसमें 3 मेजर सेक्शन देखने को मिले होंगे, सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। तो सेक्शन A आपका कंसिस्ट करता है लैंग्वेज का, जिसमें आपको लैंग्वेज चूज़ करनी रहती है, जिस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं। जैसे आप अगर इंग्लिश का पेपर देना चाहते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट करिए, हिंदी का पेपर देना चाहते हैं तो हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करिए, तमिल में पेपर देना चाहते हैं तमिल की लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं तमिल सेलेक्ट करिए। तो इस वजह से आप लोग जिस लैंग्वेज का पेपर देना चाहते हैं उस लैंग्वेज आप सेक्शन A में सेलेक्ट करेंगे। सेक्शन B जो होता है आपका, वो डोमेन के लिए रहता है, उसमें 27 डोमेन सब्जेक्ट की लिस्ट रहेगी। जिस सब्जेक्ट का पेपर देना चाहते हैं वो डोमेन सब्जेक्ट आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। इसी तरह 26 सब्जेक्ट की लिस्ट है, जिसमें आपको जो सब्जेक्ट आप में आप पेपर देना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट का पेपर देना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको सेक्शन 3 देखने को मिलता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट सबके लिए नया है, उसमें अगर आपके कॉलेज जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ के आप क्राइटेरिया देख लीजिए कि वो जनरल टेस्ट आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए मांगा है या नहीं मांगा है, उसके बिहाफ पे आप जनरल टेस्ट को यस करिए या तो नो करिए। अगर आप पेपर देना चाहते हैं तो जनरल टेस्ट में यस करिए, नहीं देना चाहते हैं तो नो करिए। वो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का या सारी यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन क्राइटेरिया अलग अलग है। अगर BHU आपसे 2 डोमेन और 1 जनरल टेस्ट मांग रहा है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है, वो आपसे जनरल टेस्ट नहीं मांग सकता है, या फिर लैंग्वेज मांग लेगा या तो डोमेन में एक सब्जेक्ट कम कर देगा। तो सारी मिला जुला के बात यही है कि सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का जो एडमिशन क्राइटेरिया है, जो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है आपसे, वो अलग अलग हो सकती है। सो आप एक बार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देख लीजिए कि कौन से कोर्स के लिए क्या क्या सब्जेक्ट मांग रही है यूनिवर्सिटी, सो आप उसके अकॉर्डिंग अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। सो वही बात यहाँ पे लिखी है, सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ टू यूनिवर्सिटी। सो बात करें वही सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, यानी कि सेक्शन 1 आपका लैंग्वेज हो जाएगा, सेक्शन 2 आपका हो जाएगा डोमेन के लिए, और सेक्शन 3 हो जाएगा जनरल टेस्ट के लिए। सो अब बात आती है एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहने वाला है। एग्ज़ाम सिलेबस आपका कम्प्लीटली क्लास 12th का सिलेबस रहने वाला है, जो आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़े था सारा सिलेबस आप लोग का क्लास 12th का NTA में आपको CUET एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। अगर आप सिलेबस को ब्रीफली देखना चाहते हैं कि सिलेबस क्या क्या इंपॉर्टेंट क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या क्या सिलेबस में कवर हो रहा है, तो आप CUET की ऑफिशियल वेबसाइट www.cuetsamarth.ac.in पे आप चले जाइए। आपको सारे 26 डोमेन, सारी लैंग्वेजेस और जनरल टेस्ट का सबका एक एक PDF मिल जाएगा, जिसमें आप सिलेबस को ब्रीफली देख सकते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या टॉपिक आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। यहाँ पे सारे डोमेन सब्जेक्ट की लिस्ट है, अकाउंटेंसी है, एग्रीकल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजी है, बिजनेस है, केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल स्टडी है, इस तरह सारे 27 सब्जेक्ट है जिसकी आप लोग देख सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जिस सब्जेक्ट में आप टेस्ट देना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में आपको जनरल टेस्ट देखने को मिल जाएगा सेक्शन 3 में। सो जिस सब्जेक्ट में आप टेस्ट देना चाहते हैं उसमें आप यस करिए, जिस सब्जेक्ट में आप नहीं देना चाहते हैं उसको छोड़ दीजिए। आप एक बार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके चेक कर लीजिए कि कौन से कोर्स के लिए कौन कौन सी
रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सा सब्जेक्ट मांग रहा है। सो इसलिए आगे चल के ही आपको ये ईजी होगा। बार बार करेक्शन विंडो सीयूटी का नहीं खुलता है, तो आप लोग एक ही बार फॉर्म भरिए और अच्छे से भरिए, और जो आप लोग को सब्जेक्ट चाहिए और वो सेलेक्ट कर लीजिए। सो बात करते हैं सेक्शन थ्री द गेम चेंजर की। जो सेक्शन थ्री यानी कि जनरल ट्रस्ट है, वो सीयूटी एग्ज़ाम में गेम चेंजर साबित होता है। अपने पहले ईयर में कई बच्चों का एडमिशन जनरल ट्रस्ट की वजह से रुका है। ऐसा क्यों होता है और सीयूटी में सेक्शन थ्री को गेम चेंजर क्यों कहा गया है? सो सारे बच्चों ने अपने जो डोमेन सब्जेक्ट हैं उसको कभी ना कभी पढ़ा होगा। जैसे आपका केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी है, बायोलॉजी है, तो आप लोगों ने क्लास 12th में एक बार ये पूरा सिलेबस पढ़ा है। लेकिन जो जनरल ट्रस्ट है वो कभी आप लोगों ने अभी एकदम आप लोग के लिए नया रहने वाला है, आप लोगों ने कभी उसको देखा नहीं है। अब ये रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें आएंगे, अब मैथ आएगा, मेंटल एबिलिटी आएगी, ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए एकदम से नई हैं। आप लोगों ने कभी इसको फैमिलियर नहीं है अभी आप इस चीज़ से। तो सीयूटी में सेक्शन थ्री को गेम चेंजर इसलिए कहा गया कि क्या कि क्योंकि ये आपको डायरेक्ट इस लाइन लाइन टू इस लाइन ला सकता है और इस लाइन से बाहर भी कर सकता है। सो आप लोग को जनरल टेस्ट पे काफ़ी फोकस करना पड़ेगा अपने एडमिशन प्रोसेस में। सो कैन वी प्रिपेयर बाय सीयूटी कैन वी प्रिपेयर फॉर सीयूटी बाय सेल्फ स्टडी? सो यस, इफ़ यू आर सेल्फ डिसिप्लिन और अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं, खुद से भरोसा है, तो आई डोंट थिंक कि सीयूटी इज़ अ रॉकेट साइंस। आप इजीली इसको अपने से सेल्फ स्टडी से भी पढ़ सकते हैं और इजीली इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे स्ट्रेटजी टू टैकल द एग्जामिनेशन। तो हम लोग क्या स्ट्रेटजी रखें, कैसी चीज़ें पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, क्या सीयूटी में काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल रहने वाला है, क्या थ्योरी रहने वाला है, तो क्या कैसे हम लोग अपने आप को क्या तैयारी में रखें, क्या स्ट्रेटजी रखें, क्या हम लोग अपने आप को किस तरह पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करें जिससे हम लोग सीयूटी एग्जामिनेशन को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। सो बात करें तो सीयूटी पेपर जो आ रहा था आपका मोस्टली फैक्चुअल बेस्ड रहने वाला है, ज़्यादा इसमें हैवी कैलकुलेशन नहीं आती हैं। सो अगर हम जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर प्रॉपर कमांड रखें, सब्जेक्ट को अच्छे से गो थ्रू करें, तो आई डोंट थिंक कि ये काफ़ी हार्ड रहने वाला है बच्चों के लिए। और जो मैंने पहले बताया कि एक्स्ट्रा एफर्ट इन जनरल टेस्ट आपका गेम चेंजर साबित हो सकता है, तो आप लोग को इस पर काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ेगा जनरल टेस्ट में, और ये आपके लिए प्रिविलेज भी साबित हो सकता है, अदरवाइज ये आपको लाइन के डायरेक्ट बाहर भी फेंक सकता है। प्रॉपर टाइम टेबल विथ प्रॉपर स्ट्रैटेजी आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है कि किस समय हमको क्या पढ़ना है, कब हमें मॉक टेस्ट लगाने हैं, कब PYQ सॉल्व करना है, कब तक हमें सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, कब रिवीजन करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को बेसिक अगर ध्यान दें तो आप लोग के CET एग्जामिनेशन काफ़ी ईजी रहने वाला, आप इजिली इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। सो सम बेसिक पॉइंट एज अ स्ट्रैटेजी जो मैंने पहले आपको बताया कि सिलेबस को टाइमली कंप्लीट करें, प्रॉपर कमांड ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक रहना चाहिए आपका। अगर ईच क्योंकि सीयूटी में जो चीज़ें हैं बारीकी से पूछी जा रही हैं, काफ़ी हैवी चीज़ें नहीं पूछी जा रही हैं, लेकिन जो टॉपिक्स आपका क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं वो काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट से सीयूटी पिक कर रहा है, और आप लोग को अगर टॉपिक पे अच्छा कमांड है तो ईजिली आप लोग सीयूटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। सो प्रॉपर टाइम फॉर रिवीजन, रिवीजन के लिए आप लोग प्रॉपर टाइम रहना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हम पढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो पीछे का हमारा भूलता जाता है, वो ह्यूमन नेचर है। सो आप लोग को रिवीजन के लिए काफ़ी प्रॉपर टाइम चाहिए कि एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले आप लोग अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिए। आप लोग इस तरह टाइम मैनेजमेंट करिए कि आप लोग के लिए आप लोग के पास रिवीजन के लिए प्रॉपर टाइम बच जाए। फोकस मोर ऑन फैक्चुअल थिंग रेदर देन चेजिंग रैंडमनेस। ऐसी वैसी कुछ चीज़ें हमें जब एग्ज़ाम पास आने लगता है तो हमें सोचते हैं कि हम ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो इन सब चीज़ों से हमें बच के रहना है। जो मेन कंटेंट है हमारा सिलेबस NCERT बुक का, उसे हम लोग अगर गो थ्रू कर लें तो CET एग्ज़ाम ईजिली क्वालिफाई कर सकता है कोई भी। और एट द लास्ट PYQ मॉडल पेपर एंड मॉक्स, जो हम लोग अगर देते जाएंगे, PYQ सॉल्व करेंगे, मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, एंड मॉक्स देंगे, तो हमें काफ़ी पेपर का आइडिया मिल जाएगा कि हमें पेपर में कैसे परफॉर्मेंस करनी है। हम लोग का टाइम मैनेजमेंट भी इससे काफ़ी सुधर सकता है मॉक्स देकर। अगर हम लोग पेपर 50 मिनट का होता है तो अगर हम लोग मॉक्स देंगे तो पेपर के एटमॉस्फेयर से काफ़ी से फेमिलियर हो जाएंगे कि हमें कब तक पेपर कंप्लीट कर लेना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे। हम लोग मॉक्स देने से काफ़ी कुछ फ़ायदा हम लोग को इस पर्टिकुलर फील्ड में हो सकता है। सो आती है टीम टारगेट गुरुकुल आप लोग की कैसे हेल्प करने वाला है आपके डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुँचाने में। सो बात करें अगर पिछले साल की, तो टोटल 60% ऑफ आवर टोटल इनरोल्ड स्टूडेंट हैड अचीव देयर ड्रीम कॉलेज। कुछ तो BHU में है, कुछ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है, और कुछ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन पा चुके हैं।
सो अगर आप भी सोच रहे हैं अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए, आप भी सोच रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, तो जस्ट एनरोल विथ अस एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। सो एज़ फॉर नाउ, थैंक यू, बेस्ट।